भारत के चंद्रयान के चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने नया इतिहास रच दिया है। चांद पर उतरने वाले दुनिया के चौथे देश के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। वहीं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से अलग हो चुका है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए ये मिशन की एक और बड़ी कामयाबी है। बताया जा रहा है कि विक्रम से अलग होने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मून वॉक कर रहा है। लैंडिंग के फौरन बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की तस्वीर शेयर की। साथ ही विक्रम में लगाए गए लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों को भी इसरो ने रिलीज किया, जो चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान क्लिक की गई। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है प्रज्ञान रोवर और क्यों ये लैंडर से अलग हुआ और अब इसका आगे क्या काम होगा। दरअसल रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस कर पाएं। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां IUNS और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनार मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिनों के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात होती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनार डे तक एक्टिव रहेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से चार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनार डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज और खनिज की जानकारी और भूकंप गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा इकट्ठा करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम लैंडर का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है। ये चांद का एक दिन है और उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा, मतलब दोनों आपस में संवाद स्थापित करेंगे। इसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमित छाप भी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही रोवर और लैंडर में लगे पेलोड्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रज्ञान रोवर में लगे दो पेलोड्स के बारे में। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहे के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। बात करते हैं विक्रम लैंडर में लगे चार पेलोड्स की। विक्रम लैंडर में पहला पेलोड है रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्टे पेलोड्स चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा पेलोड्स लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। तो वहीं लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे पेलोड चांद के डायनेमिक्स को समझने का पूरा प्रयास करेगा। तो अब देश को उस पल का इंतजार है जब प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में पुख्ता जानकारी देगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।